हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी में। आज हम अपनी इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर स्पेशली एफओ मेंस एंड नाबार्ड में डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसको कब कौन सा प्राइज मिला, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है आउट ऑफ 10 वीडियो। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमने दो टाइप की क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई है। एक है कोर एग्रीकल्चर के लिए, जिसका ये सेकेंड पार्ट है, और एक दूसरी है करंट एग्रीकल्चर के लिए 2020 सीरीज। तो दोस्तों, आप ये सीरीज जरूर देखें क्योंकि 60% ऑफ क्वेश्चन पेपर इज फ्रॉम करंट एग्रीकल्चर। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ज्यादा फोकस करें। ऑल्दो स्टैटिक एग्रीकल्चर या फिर कोर एग्रीकल्चर या कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, बट 40% लगभग इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा करंट एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है तुरंत आपको मिल सके। सो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु वन द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। दोस्तों, पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज 2018 में शुरू हुआ था बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा। इसकी जो प्राइज मनी है वो 1 लाख डॉलर है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हम सभी जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, बट इन इंडिया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देन मिस्टर सी सुब्रमण्यम। मिस्टर सी सुब्रमण्यम वॉज एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1966 के टाइम पे ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर टी मोहपात्र। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र इज द प्रेजेंट डीजी ऑफ ICAR। सो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 2018 में पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द नोबल पीस प्राइज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही बार नोबल पीस प्राइज मिला है, ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एग्रीकल्चर में वर्क कर रही है उसमें से केवल एक ही को नोबल पीस प्राइज मिला हुआ है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड जो लेकर आए थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अभी हमने डिस्कस किया था, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थे, और इन्हीं को 1970 में नोबल पीस प्राइज मिला था फॉर सेविंग ओवर अ बिलियन पीपल फ्रॉम स्टारवेशन। तो दोस्तों, इनका बहुत बड़ा रोल था ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसी वजह से इनको नोबल पीस प्राइज दिया गया। डॉक्टर एस के वसल। डॉक्टर एस के वसल का बहुत बड़ा रोल है क्वालिटी प्रोटीन मेज पे, जिसके लिए 2000 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। वर्ल्ड फूड प्राइज एग्रीकल्चर में दिया जाने वाला विश्व में सबसे बड़ा प्राइज है। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी को हम सभी को पता है कि 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था अलोंग विद मलाला यूसुफजई। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज रिसेंटली। रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है, कौन से ऐसे इंडियन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर संजय राजाराम। आइए हम देखते हैं किस ईयर में किसको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। इन्हें 2014 में मिला था फॉर डेवलपिंग ओवर 480 वीट वेराइटीज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। सेकेंड ऑप्शन इज डॉक्टर मोदुदुगु विजय गुप्ता। मोदुदुगु विजय गुप्ता को 2005 में मिला था फॉर डेवलपिंग लो कॉस्ट टेक्निक फॉर द फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग फॉर द रूरल एरियाज। डॉक्टर एस के वसल को 2000 में मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर डेवलपिंग क्वालिटी प्रोटीन मीज। डॉक्टर बी आर बरवाले साहब को 1998 में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था फॉर द फाउंडिंग माहिको, प्राइवेट सीड कंपनी फॉर सप्लाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे इंडिया में उनके उन्होंने सीड्स को पहुंचाया था और ये प्राइवेट सीड कंपनी है, इसके लिए इन्हें 1998 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। तो हमारा क्वेश्चन है किसको रिसेंटली दिया गया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिसेंटली डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया था 2014 में फॉर डेवलपिंग ओवर 480 वीट वेराइटीज रेजिस्टेंट टू वेरियस डिजीजेस। नेक्स्ट है ICAR अवार्ड्स की तरफ हम आते हैं। रफी अहमद किदवई अवार्ड बाय ICAR इज प्रेजेंटेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एरिया ऑफ। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टोरल थीसिस रिसर्च। डॉक्टोरल थीसिस रिसर्च के लिए जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए रफी अहमद किदवई अवार्ड दिया जाता है। फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च स्टेशन सरदार पटेल। आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट के लिए लाल बहादुर शास्त्री
अवार्ड दिया जाता है। सो दोस्तों हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसर्च वाला ऑप्शन सही है, ये सब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एफओ में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीआर अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर हैज अनाउंस्ड द आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट अवार्ड इन द नेम ऑफ, तो हमारे पास ऑप्शन है वसंत राव नाइक जी के नाम पे आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए दिया जाता है। ड्राईलैंड फार्मिंग पंजाब राव देशमुख इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट। रफी अहमद के द्वारा अभी हमने देखा था आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए दिया जाता है। मिस्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड इज फॉर द आउटस्टैंडिंग टीचिंग के लिए। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है पंजाब राव देशमुख अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग विमेन साइंटिस्ट अवार्ड बाय द आईसीएआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न फॉर द ग्रीन रेवल्यूशन। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो पहला ऑप्शन है, नोबेल पीस प्राइज मिला था 1917। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला हुआ है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, इन्हें भी वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। मिस्टर सी सुब्रमण्यम जी जो उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज, किसे वर्ल्ड फूड प्राइज में से नहीं मिला। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था फॉर एडवांसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को 1989 में मिला था फॉर डेवलपिंग माइक्रो एंटरप्राइज स्पेशली फॉर द डेयरी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जो कि बांग्लादेश से हैं, इनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। 1994 में इन्हें फॉर स्मॉल लोन प्रोग्राम फॉर द पुअर प्रोवाइडिंग मिलियन ऑफ पीपल फॉर क्वालिटी एज वेल एज मोर फूड के लिए प्राइज मिला था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को अभी तक वर्ल्ड फूड प्राइज नहीं दिया गया है। सो दोस्तों हमारे हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ही इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज। बाकी सभी को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है अपने अपने एरिया में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन गॉट द रेमन मैग्सेसे अवार्ड अंडर विच कैटेगरी। हमें पता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत सारी कैटेगरीज में दिया जाता है। अभी रिसेंटली हमें पता है कि इंडिया से मिस्टर रवीश कुमार को फॉर द जर्नलिज्म के लिए दिया गया, तो सिमिलरली डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस कैटेगरी में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट लिटरेचर जर्नलिज्म कम्युनिकेशन, बी इज द पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, सी इज द कम्युनिटी लीडरशिप एंड डी इज द गवर्नमेंट सर्विस। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कम्युनिटी लीडरशिप के लिए ये प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच कैटेगरी ऑफ अवार्ड रिसिपिएंट विल नॉट बी अ फार्मर। तो हमारा पहला अवार्ड है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, तो ये फार्मर के लिए है। एनजी रंगा अवार्ड इज ऑल्सो गिवन टू द फार्मर फॉर द डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार, ये भी फार्मर को ही दिया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सटेंशन साइंटिस्ट अवार्ड, तो ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि फार्मर को नहीं दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एफएओ अवार्ड्स ऑनर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग पर्सन्स इंस्टीट्यूशन और कंट्रीज फॉर। ऑप्शन है फूड सिक्योरिटी, जीरो हंगर, एवरग्रीन रेवोल्यूशन एंड द जीरो पॉवर्टी। सो इट इज फॉर जीरो हंगर बाय 2030। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था। हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के अपना रिप्लाई करें। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव अ गुड डे।